हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो डिवाइसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास है वीवो का फोन तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार आए हो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले गाइज, आप लोगों को करना क्या, सबसे पहले आपको एक फाइल को डाउनलोड करना है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे काफी सारा इंटरफेस आएगा और इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है। ओके, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का फोन जो है वो टाइम ऑटोमेटिकली खुद बताता है, तो ये चीज मैं बताऊंगा। नाइट क्लॉक सेट, अलार्म्स वगैरह सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। लाइव वॉलपेपर पे क्लिक कीजिएगा एंड इसके बाद सेटिंग्स पे जा सकते हो। सेटिंग्स में जाने के बाद बैकग्राउंड को चूज कीजिएगा, सर्कल, 3D इफेक्ट, ब्लैक एंड रेड स्क्रिप्ट, जो भी आपको पसंद आए भाई वो वाला यूज कीजिए। तो मैं ब्लैक एंड रेड को ट्राई करता हूँ एक बार। ओके फाइनली, ठीक है, या कुछ ऐसा आ रहा है लेकिन यहाँ पे जो टाइमर है वो कुछ मैच नहीं हो रहा बैकग्राउंड अच्छे से, तो ये वाला देख लेते हैं। काफी सारे बैकग्राउंड है यहाँ पे, इसका भी जो टाइमर है वो ठीक नहीं दिख रहा। तो इनका जो कलर वगैरह वो आप लोग चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। काफी सारे बैकग्राउंड मिलेंगे, देखो ये वाला काफी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो इसका कलर है वो चेंजेस कर सकते हो आप लोग यहाँ से। वर्डन ओके, ये बात देखो बेकार लग रहा है यार, अजीब से, ठीक है। तो जो मैंने लगाया था पहले वाला वो वाला ट्राई करता हूँ। ये वाला भी यूज बढ़िया है लेकिन इसका जो कलर है क्लॉक कलर, ठीक है, पहले मैं ये वाला यूज करता हूँ ब्लैक एंड रेड, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ से क्लॉक का कलर चेंज कर दूंगा अभी, ठीक है। ये सारी चीजें चेक कर लीजिएगा, ब्लैक और ये वाला मैंने कलर यूज किया, ठीक है, यहाँ से कलर चेंज हो गया। अब ये देखो कितना खिलके नजर आ रहा है। ओके, डेट वगैरह सारा कुछ। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें, टॉकिंग क्लॉक ये वाला फीचर ऑन कर लीजिएगा, ऑन डबल टैब और आपका टाइम बताएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको क्लिक कीजिए, दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली 2:30 PM यानी कि 2:13 हो गए। ये देखो इस तरह, ये देखो, और यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा कि कितने अभी फिलहाल टेम्परेचर है, ये सारी चीजें बताएगा। ये देखो 14 हो गए, देखो 14, ठीक है, इस तरीके से बताएगा। ओके, और यहाँ से और भी सेटिंग्स हैं जो कर सकते हो, डेट फॉर्मेट वगैरह, शो वेदर, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो और सारी चीजें आप यहाँ से अपने आप जो यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग जो लगा सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसको सेट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए, सेट टू डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए, अप्लाई हो चुका है। और अप्लाई होने के बाद फाइनली लुक जो गजब का निकल के आ चुका है। और यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे 2:14 PM यानी कि मतलब 2:14 यहाँ पे हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो यूज कर सकते हो, अगर आप अपने फोन को हिंदी में यूज करोगे तो हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में यूज करोगे तो इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप लोग जिससे सेटअप कर सकते हो अपने फोन में और काफी अच्छा लुक दे सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।